अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काले छोले, जिन्हें काले चने भी कहते हैं, और इनको रात भर के लिए भिगो दिया था मैंने, और सुबह इसका पानी फेंक के, ताज़ा पानी डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रखा, और जब ये आधे गल गए तो फिर इसमें 1 टीस्पून सोडा और 2 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने, और फिर इनको गलाने के लिए रख दिया। ये देखें, इस तरह गले हुए होने चाहिए, लेकिन टूटने नहीं चाहिए, साबुत रहने चाहिए। इस तरह से दाने इसके साबुत हों और लेकिन पूरे गले हुए हों। और इसके लिए बाकी जो चीज़ें चाहिए उनमें ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट ली थी मैंने, और इनको हाथ से इस तरह रगड़ के खोल लीजिए, इस साइज़ की प्याज काटी है मैंने, और इमली का पल्प 1 प्याली या अपने हस्बे पसंद, हरा धनिया आधी गड्डी, कड़ी पत्ते 15-20, नींबू 2 अदद, चाट मसाला, ये रेडीमेड वो होममेड चाट मसाला है, आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्चें 2, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये लाल साबुत मिर्चें 6 अदद लिए मैंने, और इन्हें ऑयल में लाल करके रख लिया है। इमली के पल्प में ये सारे मसाले डाल दीजिए, लाल मिर्च का पाउडर और ये चाट मसाला, ये सब इसमें, हरी मिर्चें, ये ऑयल में 1/2 कप ऑयल में मैंने प्याज को सौते कर लिया है, इन्हें बिल्कुल नरम नहीं करना है, और इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, ये थोड़े से कड़कड़ा के अब सारा मसाला डाल देंगे इसमें, और अब जो इमली के पल्प में सारा मसाला मिक्स करके रखा है अब वो डाल दूंगी इसमें। ये इसमें डाल दिया, अब इसको अच्छी थोड़ी देर इसको भूनेंगे मसाले को, अभी थोड़ी देर में इसका ऑयल अलग हो जाएगा, ये भुन जाएगा मसाला, ये मसाला भुन चुका है, देखें ऑयल अलग हो गया है। अभी इसमें हम सॉल्ट डाल दिया 1 टीस्पून या हस्बे जायका, बहुत तेज आंच नहीं रखनी है, हल्की रखनी है। अब ये जो छोले बॉईल करके रखे थे, पानी इसका पूरा ड्रेन कर देना है छलनी में रख के, और अब इसको इस मसाले में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से ऊपर नीचे चला दीजिए ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। मसाला मिक्स हो चुका है, अब इसमें ये जो 2 लेमन काट के रखे थे इनको इसको यूज कर दीजिए। और अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, ये लेमन डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर लेमन बड़ा हो तो 1 डाल दें, मैंने 2 डाले हैं, छोटे थे। और ये जो प्याज बचाई थी आधी, इसको ऊपर से थोड़ी देर डाल दीजिए, अब ये थोड़ी देर इसे ढक के रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। हरा धनिया ये भी ऊपर से डाल दीजिए, और अब थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे, और ये लाल मिर्चें जो रखी थी फ्राई करके, ये भी तोड़ के डाल देंगे ऊपर से, इस तरह से ये तोड़ के ये भी डाल दीजिए। अब इसे कवर करके रख देंगे, आप ये थोड़ी देर बाद इसका ढकना हटा के, तकरीबन 2-3 मिनट बाद आप इसको देखें, और इस तरह से बीच में चमचे से हटा के देखें, अगर इसमें पानी हो तो थोड़ी देर दम पे और छोड़ दें, ये भुन चुका है मसाला इसका पूरा, पानी नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छे बने हैं, और अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी।
ये देखें हमारे काले छोले तैयार हैं मजेदार से। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ।